अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरे चैनल पे वेलकम। खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी है। ये है जी आलू बुखारे की चटनी, जो कि मैंने अभी अभी फ्रेश आलू बुखारा अपने गार्डन से तोड़ा है और ये अभी थोड़ा कच्चा है, यानी कच्चा पक्का है ये थोड़ा। तो ये बहुत ही इसकी यमी सी ये चटनी बनती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे झटपट बना लेती हूँ। नॉर्मली तो हम सब ड्राई आलू बुखारे की बनाते हैं ज़्यादातर चटनी, लेकिन ये फ्रेश आलू बुखारे की चटनी भी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे इसको झटपट बनाती हूँ और किन किन चीज़ों से मैं बनाती हूँ इसको। इसके लिए जी तकरीबन मैंने 1 किलो के करीब ये आलू बुखारा लिया है फ्रेश वाला, और इसको मैंने साफ़ करके अंदर से इसका स्टीम यानी कि इसकी गुटली निकाल दी है, और अब हम इसको ऐसे ही पकाएँगे। और तकरीबन मैंने 1/2 किलो के करीब चीनी ली है और तकरीबन 1 कप के करीब पानी चाहिए। पानी मैं बहुत थोड़ा यूज़ करूँगी, देखते हैं कि कितना पानी यूज़ होता है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं मैंने कट कर लिए हैं, और 1 टीस्पून के करीब काला नमक, और 1 टीस्पून ये क्रश चिली है रेड वाली। तो मैं टेस्ट के हिसाब से डालूँगी, मैं चेक कर लूँगी कि मुझे कितनी चाहिए। तो चले आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक तेज़की के अंदर ये अपना सारा आलू बुखारा डालूँगी, और मैं अब मैं इस आलू बुखारे को लो टू मीडियम हीट पे तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक कर पकाऊंगी, और इसके अंदर मैं तकरीबन थोड़ा सा पानी डालूँ क्योंकि आलू बुखारे के अंदर ऑलरेडी पानी होता है। ये तकरीबन 4-5 चम्मच मैंने पानी के इसके अंदर डाले हैं, और अब मैं इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम हीट के ऊपर पकाती हूँ। हाँ जी, अब देखते हैं, ये 5 मिनट हो गए हैं, तो ये बिल्कुल प्रोसेस के लिए तैयार है, यानी कि ये नरम थोड़ा हो गया। अब मैं इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी। अब चीनी फौरन ही इसके अंदर मिक्स हो गई है, तो अब हम इसको मज़ीद तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे। आप चाहें तो इसको इनको मैश भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़रा ना ऐसे मोटे मोटे वाले अच्छे लगते हैं, तो मैं इनको कम ही मैश करूँगी। जितना ये खुद ही हो जाए तो ठीक है, लेकिन मैं खुद इनको मैश नहीं करूँगी। नॉर्मली पास लोग इसको मैश कर लेते हैं। तो ये चीनी बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो गई है, अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए और पकाऊँगी। और अब इस पॉइंट में मैं इसके अंदर ये नमक और डालूँगी, और फिर इसका मैं टेस्ट कर लेती हूँ नमक कैसा है इसके अंदर। यम्मी, बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरे ख्याल से मैं नमक थोड़ा सारा जो मैंने छोड़ा था वो भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, और बाकी इसका टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट है। और मैं आपको बताना भूल गई थी कि इसके अंदर मैंने दालचीनी, वो क्या कहते हैं, सब्ज़ इलायची पाउडर भी इसके अंदर मैंने शामिल करना है, तो वो भी मैं तकरीबन 1/2 टीस्पून शामिल करती हूँ, और उसको मैं छान लूँगी। और अब इसके साथ मैं इसके अंदर ये सारे ड्राई फ्रूट डाल दूँगी। अभी देखिए, पानी मैंने इसके अंदर बिल्कुल वो 3-4 चम्मच ही डाला था जो शुरू में मैंने डाला था, अब पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं इसको ढक के मीडियम टू लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाती हूँ। बिल्कुल तैयार हो गई है, देखिए। अभी मैंने इनको ग्राइंड नहीं किया, तो फिर भी ये सारे ग्राइंड हो गए किस्म के। तो चलिए अब इनको फिश आउट करते हैं। तो अब मैं इसको ऐसे रखती हूँ, और फिर जब ये ठंडी हो जाएगी तो मैं इसको एयर टाइट जार में बंद करके, तो मैं तकरीबन 1-2 हफ्ते के लिए आराम से इसको यूज़ कर सकती हूँ। आई होप कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।